नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने यहाँ तक देखा था, किचन था, मत्थे के साथ में यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे सिंक के नीचे शटर किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिंक का एरिया है। जैसे लंबाई जो रहती है, आप लंबाई के हिसाब से माप ले सकते हो बारू बार ऊपर से। दोस्तों, यदि फ्रेम फिट करना रहता है तो आप 3.5x3 का फ्रेम लगा सकते हो, क्योंकि यदि मोटा लगाना रहता है तो उसमें इंजिस वगैरह लगाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो सिंक के एरिया के नीचे यहाँ पे शटर आ रहा है उसका, और सामने की साइड में जस्ट जो कॉर्नर बन रहा है, मैजिक कॉर्नर अथवा एस कॉर्नर जो भी लगाना रहता है उसका कॉर्नर, वो यहाँ पर मैच कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर उसके हिसाब से पहले शटर काट लेंगे, जितना माप आता है। यदि 2 लगाना रहता है तो आप 2 के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो शटर था बिल्कुल रेडी हो गया, और 3 इंची छोड़ के, और इधर से भी 3.5 इंची छोड़ देंगे, सॉरी, और यहाँ पे हैं 7 डोरा छोड़ देंगे। ये ऑटो इंजिस के लिए यहाँ पे होल किया जा रहा है, और इधर से भी 7 डोरा छोड़ देंगे, और ऊपर और नीचे से 3.5 3.5 इंची छोड़ा गया है। और थोड़ा सा यहाँ पे पंच मार देंगे। पंच मारने का रीज़न है कि जो बिट रहता है वो फिसलने का चांस नहीं रहता है। और यहाँ पे हैं फिर 35 mm द्वारा यहाँ पे बिट से होल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जितना बिट रहता उसके हिसाब से उसको सेट कर देंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा होल करते हैं तो आर पार निकलने का चांस रहता है। और यहाँ पे हैं जैसे ऊपर का लेवल है, प्लाई के लेवल आ जाने के बाद में यहाँ पे रोक देंगे, और दूसरा है, दूसरा भी इसी प्रकार से होल कर देंगे। दोस्तों, ये जो शटर है ऊपर से लगने वाला, इसके लिए यहाँ पर ये इंजिस लगाए जा रहे हैं, ऑटो इंजिस वाले। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। और यहाँ पे होल होके रेडी हो गया। फिर यहाँ पे पट्टी रख देंगे, सीधा वाला बॉटम पट्टी, और फिर इंजिस को यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये पट्टी रखने का रीज़न ये रहता है कि ये पूरा एक लेवल में हो जाता है। यदि 2 इंजिस रहता है, 3 रहता है, तो उसकी पाती है वो घूमती नहीं है, एक लेवल में हो जाती है काट कोने में। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप पहले से ही एक बॉटम पट्टी रख दे हो, तो उससे है इंजिस एक लाइन में हो जाता है और सॉफ्ट क्लोज है, आराम से वर्किंग करता है। यदि इंजिस है आधा या टेढ़ा रहता है तो उसमें वर्क करने का कम चांस रहता है और ख़राब भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर जो सिंक वाला था, सिंक के बाजू में था यहाँ पर एस कॉर्नर का यहाँ पे शटर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक कॉर्नर आता है, और कॉर्नर में आप पैक कर सकते हो, जैसे 2x2 का हुआ अथवा 3x3 का हो, उसके हिसाब से आप पैक कर सकते हो। और ऊपर की साइड में एक स्क्रू मार देंगे, और नीचे की साइड में भी एक स्क्रू मार के यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अंदर की साइड में एक पट्टा दिया गया है 3 इंच का, उसके हिसाब से यहाँ पर सेट किया गया है। और थोड़ा सा इंजिस को है बाहर निकाल देंगे, यदि फेंक मारता है तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बंद करके देख लेंगे इस प्रकार से। ग्रूव वगैरह है प्रॉपर से सेट कर लेंगे, और ऊपर का लाइन है वो भी प्रॉपर से मैच कर लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है पूरी कंटिन्यूस जाने वाली है। जैसे सिंक का एरिया हुआ और सामने का जो ड्रॉर्स वगैरह हुआ उसका भी एक लाइन मैच हो जाता है। दोस्तों, यदि आपने ये किचन का पूरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, और यदि नए अपकमिंग पार्ट्स के लिए आपको देखना रहता है तो आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। और यहाँ पे हैं, जैसे उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर से सेट कर देंगे स्क्रू, यदि ऊपर या नीचे करना रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर है शटर प्रॉपर से सेट हो गया, और लाइन है ऊपर का लाइन भी प्रॉपर से यहाँ पे मैच हो गया है। यदि थोड़ा आगे या पीछे करना रहता है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पीछे लेना रहता है, आगे की साइड में है, आप ग्रू रख सकते हो। जैसे लेमिनेट है, यदि 3 लेमिनेट है, 3 लेमिनेट के हिसाब से आप ग्रू रख सकते हो। और यदि टक्कर पर लेमिनेट लाइन लगाना रहता है तो आप ग्रू कम भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉर्नर वाला जो भाग था, यहाँ पर शटर लग के रेडी हो गया। अभी यहाँ पे सिंक वाला भाग है, उसमें यहाँ पे शटर को सेट कर देंगे। दोस्तों, यदि इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप नीचे का जो लाइन है प्रॉपर से सेट कर लेना रहता है, जो नीचे की साइड में आ रहा है, और ऊपर से जो दो इंची पैक किया है उसका भी लाइन मैच कर लेना रहता है। और यहाँ पे नीचे से लेवल रखे,
पहले देख लेंगे टक्कर के ऊपर, वो टक्कर है ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी मैच कर लेंगे, जैसे बाजू में जो शटर बना हुआ उसको भी प्रॉपर से मैच कर लेंगे। दोनों का एक लेवल हो जाने के बाद में यहाँ पे एक एक स्क्रू मार देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप सिंक के नीचे का जो एरिया रहता है उसमें आप वुडन का फ्रेम बना सकते हो टिकूड का, क्योंकि टिकूड का जो फ्रेम रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है प्लाईवुड से, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे शटर था लग के रेडी हो गया, और कॉर्नर है, कॉर्नर में भी यहाँ पे खुलने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो प्लाईवुड लगाया गया है दोस्तों, ये वाटरप्रूफ वाला है, 710 ग्रेड का है, और इसमें यदि आपको कोई भी अलग ब्रांड है उसमें भी आप 710 का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेंगे, यदि टक्कर में टकरा रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा आगे निकाल लेंगे। और यहाँ पे हैं जैसे प्रॉपर से मैच करा लेंगे, गुरु वगैरह यदि सेट नहीं होता है तो उसके हिसाब से सेट कर देंगे। और जैसे यहाँ पे हैं दरवाज़ा थोड़ा सा फेंक मारा है तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यदि काफ़ी बार जैसे कंपनी का जो इंजिस जो रहता है उसमें सेटिंग है डिस्टर्ब रहता है, कभी आगे रहता है कभी पीछे रहता है, तो उसके हिसाब से दरवाज़ा है, दरवाज़ा में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। यदि आप लगाते हो तो उससे पहले आप चेक भी कर सकते हो कि उसका सेटिंग ज़्यादा आगे तो नहीं है अथवा ज़्यादा पीछे तो नहीं है, उससे है दरवाजे में काफ़ी दिक्कत पड़ जाती है। जैसे यहाँ पे दरवाज़ा था सेट हो गया प्रॉपर से, दूसरा वाला यहाँ पे बिठा देंगे। ऊपर का जो लेवल है लेवल फ्रेम के हिसाब से देख लेंगे, अथवा मेजरमेंट है पत्थर के हिसाब से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हैं जैसे नीचे के लेवल है, नीचे के लेवल से मैच करा लेंगे, और फिर ऊपर का लेवल भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। और ऊपर की साइड में है, ऊपर की साइड में 2 इंच का गैप रखा गया है, उसके हिसाब से यहाँ पे सेट किया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से बनाना रहता है किचन के शटर वगैरह तो आप इस हिसाब से बना सकते हो। जैसे वॉर्डरोब का बनाना रहता है अथवा कोई भी कैबिनेट बनाना रहता है तो आप इस हिसाब से आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। गुनी समय में आप प्लाईवुड में भी बना सकते हो और बोर्ड में भी आप आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो जो शटर है प्रॉपर से बंद करके देख लेंगे, और यहाँ पे जो पीछे के साइड में जो गैप नज़र आ रहा है 2 इंच का है वो प्लाईवुड द्वारा कवर हो जाएगा। दोस्तों ये जो किचन है इसका फुल वीडियो है, जैसे यहाँ तक स्टेप हुआ उसका आगे का स्टेप भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर, कि कौन सा लेमिनेट पास होता है, कौन से हैंडल्स लगते हैं, उसका भी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हैं सेटिंग है, उसको सेटिंग प्रॉपर से सेट कर लेंगे, यदि आगे ये पीछे रहता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। जैसे गुरु है यहाँ पर थोड़ा कम था तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा गुरु को सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हैं थोड़ा शटर है, शटर बाहर की साइड में निकलता है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो जो किचन है यहाँ पे प्रॉपर से सेट हो गया है, और लेमिनेट है, लेमिनेट का भी पेंडिंग में है। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।